बच्ची कितनी गंदी मुइयां हो रही है, साफ कर देता है पापा। ओ राज दुलारी हो जा, हो जा पापा की प्यारी, सो जा। हेलो हेलो दीदी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। पता है दीदी, मैंने आपके लिए एक बहुत सुंदर तोहफा खरीदा है। आपको क्या लगता है, अच्छी चीजें सिर्फ मुंबई में ही मिलती हैं, यहाँ जयपुर में नहीं? आप जब उसे देखोगे तब आप बहुत खुश हो जाओगे। हेलो दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ? नहीं, थोड़ी बिजी थी। बिजी थी? आप अब तक ऑफिस में हो? हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। अमेरिका से क्लाइंट्स आए हुए। हे भगवान, आपका तो काम ही कभी खत्म नहीं होता। अच्छा ठीक है, स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही काम हो जाए जल्दी से घर पहुंच जाना, ठीक है? स्ट्रेस क्यों ना लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। क्या हुआ दीदी, क्या हो रहा है? कुछ दिनों से ऐसा लगता है जैसे मेरे आसपास कोई, मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा है। मौजूदगी का एहसास? किसकी? नहीं कुछ नहीं प्रिथा, मैं थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मीटिंग के बाद कॉल करती हूँ। बाय। पर दीदी मेरी बात तो। हेलो हेलो, क्या है? जी मैडम, बॉस आपको बुला रहे हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ मैं अभी आ रही हूँ। इस बंद कमरे में हवा? Yeah.
क्या हुआ मैडम, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा सरदर्द था, पता नहीं मीटिंग हैंडल कर पाऊंगी या नहीं। कुछ तुम जाओ। जी Everybody. Good evening, sir. इतना लेट? Sir, I'm very sorry for being late. ठीक है, स्टार्ट कीजिए। So, without any further delay, मैं आप सबको हैंडआउट्स देना चाहूंगी। And this one's for you. दीप्ति, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम बस पॉइंट्स नोट करो। जेंटलमैन, ये देखिए, ये हमारी फिगर्स हैं। ये तो इंक है ना? Sir, will you please excuse me? I'm really sorry. Excuse me. क्या हो गया नहीं? मेरी हस्ती गिरती में मुझे छोड़कर क्यों चली गई? हौसला रखो प्रीता, अगर तुम टूट जाओ तो अंकल आंटी को कौन संभाले? चलो यूं इस तरह खुदकुशी करके उन्होंने हम सब के प्यार का अपमान किया है। मैं खुद हैरान हूँ कि दीप्ति ने आत्महत्या कैसे की। उसे कोई गम भी नहीं था, मगर दो चार दिन पहले वो परेशान जरूर थी। परेशान लग रही थी किस बात पर? मुझे कुछ पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं। कह तो कुछ मुझसे भी रही थी कि
कि उन्हें किसी की मौजूदगी परेशान कर रही है, पर मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उसका वहम होगा। वहम था या सच्चाई? मेरी दीदी तो मुझसे हमेशा के लिए छिन गई ना। बस करो प्रथा, और कितना रोगी तुम्हें इस हाल में देखकर दीदी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। चलो उनका सामान बांध लेते हैं। अब उनके सामान में ही तो उनकी आखिरी यादें चुप। अच्छा, दीदी के कोई बिल्स वगैरह या और कुछ पेंडिंग तो नहीं है ना? शायद कुछ बिल्स पड़े हैं, मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। ये देखो, एंटीक शॉप का बिल। इसमें कुछ लिखा भी है, शायद उसने एंटीक पेन खरीदा था 10,000 रुपए में, और इसका बिल भी पेंडिंग है। पता है, दीदी को शुरुआत से ही एंटीक चीजों का बहुत शौक था। इनफैक्ट मैं तो उनके लिए एक एंटीक पेंडेंट भी लाई थी। सोचा था कि जब उनसे मिलूंगी तब उन्हें दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। कहाँ है ये एंटीक शॉप? एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है यहाँ पर? कोई है? ये जगह तो बड़ी अजीब है। कितनी डरावनी है ये, मुझे तो डर लग रहा है। Excuse me, कोई है? कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? ये कमरा ग्राहकों के लिए नहीं है, ये सिर्फ दुकानदार के लिए है। क्या काम है? जी वो, हम आपके पैसे लौटाने आए हैं। मेरी बहन ने यहाँ से एक एंटीक पेन खरीदा था, बस उसी के पैसे देने हैं। कमाल है, तुम अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो? वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया? जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्जा। ये लीजिए, थैंक यू। प्रिथा, इधर आ। ये चाकू कितना अच्छा है ना? निशा, रख तो इसे, ये देख तो। क्यों, पसंद आया चाकू? रख लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, रख लो, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा, फ्री में ले जाओ। फ्री में? फ्री में क्यों? तोहफा समझ के रख लो। तोहफा? जी नहीं, हम यहाँ बस आपके पैसे लौटाने आए थे। चलो निशा।
को क्या हुआ? ऐसे फ्लक्चुएट क्यों कर रही है? ये रात को कौन हो सकता है? के लिए डिलीवरी है। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था। मैं जानता हूँ, लेकिन ये तोहफा सिर्फ आपके लिए है। तोहफा? किसने भेजा है? दीप्ति ने? ये कैसे हो सकता है? वो तो मर चुकी है। वो कैसे मेरे लिए तोहफा भेज सकती है? हैप्पी बर्थडे मैम। ओह थैंक यू। एक्चुअली मैं भूल गई थी कि आज मेरा जन्मदिन है। न जाने कितने दिन पहले दीप्ति ने ये गिफ्ट भेजा होगा मेरे लिए। ठीक है, अंदर लेकर आइए। ओके मैम। आइए। हेलो हेलो प्रथा, गेस व्हाट, मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। क्या? दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा। आर्या तुम तो बहुत लकी हो, कम से कम दीप्ति दीदी की आखिरी निशानी तो है तुम्हारे पास। अच्छा रिया, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दीप्ति दीदी ने रिया के लिए गिफ्ट ऑर्डर किया था। दीप्ति दीदी हमेशा हमारे बारे में कितना सोचती थी ना, मरकर भी वो हम सबके दिलों में जिंदा है। चल तू जाके मुंह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं मीशा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने। और जा, जाके मुंह हाथ धो ले। ठीक है।
ये चाकू, इसे तो मैंने कहीं देखा है। पसंद आया चाकू? पसंद आया चाकू? रख लो, रख लो। ये चाकू तो मीशा ने दुकान में छोड़ दिया था, है ना? मीशा, तो ये घर में कैसे आया? अपनी बहन की मौत के बाद पैसे चुकाने के लिए आई हो? वरना किसी के मरने के बाद किसी को क्या पड़ी होती है कि उधार चुकाया या नहीं चुकाया? उस दुकानदार को कैसे पता कि ये दीप्ति दीदी हमने तो उसे कुछ बताया ही नहीं था। हमने तो उसे कुछ नहीं बताया था। रुक जाओ। क्या लेने जा रही हो? जी वो मुझे इस दुकान के मालिक से मिलना है। यहाँ जो भी आता है और जो कुछ भी खरीद के ले जाता है वो मर जाता है। क्या? मर जाता है? हाँ। कहीं तुम यहाँ से कोई सामान खरीद के तो नहीं ले गई? जी नहीं, पर मेरी बहन खरीद कर ले गई थी और वो मर गई है ना? मर गई। हेलो प्रथा, गेस व्हाट, मुझे अभी अभी मेरे जन्मदिन का एक तोहफा मिला है। दीप्ति दीदी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा। ओह माय गॉड, अब रिया उसके पास भी तो इसी दुकान से खरीदी हुई अलमारी है। तो फिर वो नहीं बचेगी, नहीं बचेगी, वो जरूर मरेगी वो। रिया फोन उठाओ, रिया, रिया प्लीज फोन उठाओ। तुम कभी मेरा जन्मदिन नहीं भूली, मुझे हमेशा सबसे पहले तू विश किया करती थी। इस बार भी तुझे मेरा बर्थडे याद रहा। मैं अपनी सहेली के इस आखिरी तोहफे को जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। वाकई कोई यहाँ पर था? या ये मेरा वहम है?
ये तो किसी बच्चे का कमरा लगता है।
मैं भी खेलूं? सबसे मशहूर लड़की कौन? ये है, ये है। सबसे मशहूर लड़की कौन? ये है, 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 ये है। पापा, सब लोग मुझे बदसूरत कहते हैं। अरे ना बेटा, तुम बदसूरत थोड़े ना हो, तुम तो बहुत 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 खूबसूरत हो। फिर भी लोग मुझे क्यों चिढ़ाते हैं? वो दरअसल ऐसा ना बेटा कि वो सब लोग तुम्हारे खूबसूरती से, तुम्हारी सुंदरता से जलते हैं, इसलिए। अच्छा एक काम करो, ये डरावना मास्क लो और इसको लगाकर सारे बदमाश बच्चों को यहां से भगा दो। लो, शाबाश। बेटा एक बात याद रखना, जितना भी तुम डरोगी उतने ही लोग तुम्हें डराएंगे, जितना भी चिढ़ोगी उतना तुम्हें चिढ़ाएंगे। अब बेटा इसको पहनो और सारे बदमाश बच्चों को सबक सिखा दो। इस दुनिया में सब बहुत बुरे हैं, सिर्फ पापा अच्छे हैं और तुम, बाकी कोई मुझे प्यार नहीं करता। माँ भी बहुत अच्छी थी लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई भगवान जी के घर। खोलो मेरी बच्ची, आंखें खोलो, बोलो बेटे अपने पापा से, बोलो किसने किया ये? सब मरेंगे एक एक करके, सब मरेंगे। जितने भी तुझे मारा है सब, चाहे कोई वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो इस दुकान में आए उसको भी मार डाल और जो इस दुकान से सामान खरीद कर ले जाओ उसको भी मार डाल, क्योंकि तेरी मौत दुकान में हुई है। ये दुनिया तेरी जालिम है, मार डाल सबको, मार डाल। Oh!
ये तो वही एंटीक शॉप है। देखो मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना समझी। प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।